जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सबके सामने मेरे साथ एक जो घटना मेरे जीवन में घटी है उस शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म में जो भक्तामर महामंत्र है उसकी इतनी महिमा है कि असाध्य रोग भी उससे दूर हो जाते हैं और मैंने साक्षात इसका अनुभव किया है। मुझे प्रज्ञा दीदी ने बताया था कि 45 नंबर का काम करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती है और ऐसा ही हुआ कि पिछले साल दिसंबर में मेरे पति राजकुमार जैन का बाईपास सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनको 30% ही ब्लड सप्लाई था। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनको अच्छी तरह से संभालो, इन्हें अकेला मत छोड़ो, कुछ काम नहीं करने का, सिर्फ रेस्ट करने का और बराबर फॉलोअप करते रहने का। फिर मैंने पूरी श्रद्धा के साथ भक्तावर महामंत्र का उच्चारण करते हुए 45 नंबर के काव्य का 108 बार होगा करके उनको उसका पानी पिलाया और 37 नंबर के रिद्धि यंत्र का भी मैंने पूरा उच्चारण 108 बार करके उनको पानी पिलाया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब हम पुनः परीक्षण के लिए गए तो डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसा कैसे संभव है, मेडिकल साइंस में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, या तो आपकी रिपोर्ट गलत है या फिर कुछ चमत्कार हुआ। और सच मानिए ये चमत्कार ही था। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आज हम प्रज्ञा दीदी के घर में दादर में थाना से चल के दादर में आए हैं और उन्होंने सब पूरा स्टेप्स चढ़ना उतरना सब अच्छी तरीके से किया और घर के भी सारे छोटे मोटे काम काज वो करते हैं, दिन में 4-5 बार ऊपर चढ़ना उतरना सब करते हैं, नियमित रूप से अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, घर के भी काम करते हैं और आज हम खुश है। तो सभी लोग ये घटना से प्रेरित होकर के अपने भक्तामर महामंत्र पे पूरी श्रद्धा करके अपने कोई भी दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। जय जय।